तो दोस्तों, खिलाफत आंदोलन के बारे में एक बात जो शायद आप नहीं जानते, सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये आंदोलन तो भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का निशान था। पहली वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की पर जो सख्त शर्तें थोपी गईं, उनके खिलाफ भारत में खिलाफत आंदोलन छिड़ गया। इस आंदोलन का मकसद था तुर्की के सुल्तान को बचाना, जो इस्लाम के खलीफा थे। इस आंदोलन की अगुवाई की मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली ने। खास बात ये कि गांधी जी ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकजुटता मजबूत हुई। लेकिन जैसे ही खलीफा का मामला सुलझा, ये एकता भी खत्म हो गई। एमसी चागला ने तो कहा कि खिलाफत आंदोलन को हिंदू नेशनल मूवमेंट से जोड़ना बहुत बड़ी भूल थी। फिर भी ये आंदोलन भारतीय इतिहास का एक अहम पड़ाव है। ऐसी ही और कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे साथ।